हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये दो कलर का डोरमेट जो कि मैंने राउंड शेप में बनाया है। और आप इसे चुन्नियों से या फिर पुरानी साड़ियों से, मैक्रम से या फिर ऊन से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने दो कलर यूज़ किए हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटी वाली डिज़ाइन भी दो कलर में बनाई है इसकी, और इसके कलियों को एक के बाद एक रंग बदलते हुए ही बनाया है। इसके सेंटर को भी मैंने ऐसे फिल किया है और इसके किनारे पर चेन भी बनाए हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वाले वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे सीखते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए जो भी दो कलर आपने चॉइस करे हैं उसको ले लीजिए। और स्टार्टिंग हम इस वाली चेन से करेंगे। सबसे पहले ये वाली चेन बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें जितने फंदे, जितना बड़ा हम बनाना चाहें उतने फंदे डाल लेते हैं। इसे बनाने के लिए फंदे दो के गुणज में डालें तो इजी रहेगा, जैसे कि 24, 28, 32 इस तरह से, जो कि बराबर डिवाइड भी हो जाए दो से। जैसे मैंने 24 फंदे यहाँ पे डाले हैं तो 12 12 करके मैं इसकी कलियाँ बना दूँगी, और एक फंदा एक्स्ट्रा मैं इसकी बॉर्डर के जो किनारे पे लाइन बनाते हैं, चेन बनाते हैं उसके लिए, तो मैंने ये 25 फंदे डाल लिए। अब यहाँ से मैं ये चेन बनाना स्टार्ट करूँगी। चेन बनाना सीखने के लिए आपको दूसरा कलर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कलर से बनाई है। आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये दिखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी दो कलर से अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा कलर भी ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से नॉट लगा लेंगे तो ये धागा निकलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही हमें जोड़ना है ना, इसलिए ये सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। अब ये जो सिलाई की नोक होती है उसको जब हम अपनी साइड में रखते हैं इधर की साइड में, तो ये उल्टी साइड बोली जाती है, उल्टा फंदा है, और इसको अगर हम अपने से उधर रखते हैं तो ये सीधी साइड है, यानी सीधा फंदा है। तो हमें ये चेन सीधे फंदों में ही बनानी है, ये वाली चेन सीधे फंदों में बनानी है। तो इसके लिए हम सिलाई की नोक को उधर की साइड रखेंगे और किसी भी कलर के धागे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने येलो कलर से, ये देखिए इधर को नोक रख के येलो कलर से ये मैं एक फंदे को बुन दूंगी। ये पहला फंदा बना लिया। अब दूसरे फंदे को हम दूसरे कलर से बुनेंगे, लेकिन सीधे ही बुनेंगे। इस धागे को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर से लाल वाले धागे को ले जाएंगे ऐसे करके। दूसरा फंदा भी बना दिया। तीसरे फंदे को भी ऐसे ही लेना है, सभी को ऐसे ही लेना है, बस कलर चेंज करना है। अब ये पीले वाले को ऊपर से ले जाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे रखने कर और इसके ऊपर से धागे को ले जाना। और ये वाले जो फंदे हम बना रहे हैं, एक पीला और एक लाल, इसी क्रम में आके बनाने हैं। फंदा देख लीजिए, जो बना दिया है उसको दूसरे कलर का इसके बाद में बनाएंगे। ये लाल बना, अब हम पीला बनाएंगे ऐसे करके। इसे यहीं पे छोड़ देंगे रेड कलर को, और इसे थोड़ा सा लूज बनाएं तो ये डिजाइन सही से उभर कर आएगी। इसे ज़्यादा खींचे नहीं, टाइट नहीं करना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। ये देख लीजिए आप, इस वाली डिजाइन को आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। यहाँ तक हम इसे बना लेते हैं।
ये देखो पूरी लाइन बन गई है सीधी तरफ से। अब हम सीधी साइड में आ जाएंगे और अब हम इसे इधर से भी बनाएंगे। इधर से बनाने के लिए क्या करना है, पहले हमने सीधा फंदा बनाया था ना, अब हम सीधी साइड आ गए हैं तो इधर से हमें उल्टा फंदा बनाना है। सिलाई की नोक को अपनी तरफ करके फंदा बनाना है। ये पीला था तो पीले रंग से बनाया है, लाल है तो लाल रंग, जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बनाएंगे। ये धागे को ऐसे आगे की तरफ छोड़ देंगे और दूसरे फंदे को उसके ऊपर से बनाएंगे। इसे यहाँ पे छोड़ दिया और इस वाले को बना दिया ऐसे और ऐसे, इस तरह से छोड़ते जाना है और बनाते जाना है। तो ये आगे की तरफ से इस तरह से पूरी चेन बन जाएगी। सभी फंदों को हमें ऐसे ही बनाना है। तो ये दोनों साइड से बनने के बाद में कंप्लीट हो। ये देखिए मैंने पूरी बना ली है, तो ये चेन बन चुकी है। अब हम इधर आ जाएंगे उल्टी साइड में। अब यहाँ से हम इसकी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाली कली बनाने के लिए हमें फंदों को आधे आधे डिवाइड करना है, आधे इस कलर के फंदे और आधे दूसरे कलर के। जो भी दो कलर लिए हमें उसके आधे आधे फंदों को यहाँ से हमें डिवाइड करना है, आधे आधे करना है। तो स्टार्टिंग में हम जिस कलर की कली बनाना चाहें ना उसी कलर के फंदों से बुनेंगे। ये जो लाल वाली कली है ना उसी तरह की कली सेंटर की तरफ से ये बनाई जा रही। अब हम उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे और ये आधे फंदे ही बनाएंगे इस कलर से। एक कलर से बना देंगे जिस कलर की हमें कली बनानी है और ये दूसरा कलर है उसको भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि ये आधे बाकी फंदे हमें बीच में बनाने पड़ेंगे तो वहाँ पे ये धागा आ जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे लपेटते हुए एक दो फंदे के बाद में आगे कर लेंगे। एक दो फंदे सादा बना लेंगे पीले के, उसके बाद में लाल को आगे कर लेंगे। ऐसे करके हम बारह फंदे हमें बनाने हैं पीले। पीले बारह फंदे बन गए हैं, उसके बाद में इधर के जो फंदे हैं इनको हम लाल बनाएंगे। ये धागा यहीं पे छोड़ देंगे, लाल वाले धागे से अब बनाना स्टार्ट कर देंगे। इन वाले फंदों में एक फंदा एक्स्ट्रा है जो कि किनारे पर चेन बनाने के लिए मैंने रखा है। आप भी इसी तरह से एक फंदे को एक्स्ट्रा रखें तो चेन बनाने के लिए वो हो जाएगा। इन सबको हम लाल फंदे से, लाल धागे से बना देंगे। ये देखो उल्टी साइड से ही हमें ये कलर चेंज करना है ताकि धागा पीछे को रहेगा, और सीधी साइड से हमें इन्हें बना देना है। यहाँ पे रख के मैं दिखाती हूँ, ये जो कली है ये वाली है पीली वाली सेंटर की तरफ की, और ये जो है वो आगे वाली। तो हमें ये वाला एक फंदा, ये किनारे की चेन है वो यहाँ से छोड़ना है ये वाली किनारे बनाने के लिए। इसके लिए हम इसे सिर्फ इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे सीधी साइड से और धागे को आगे लाएंगे। उल्टी साइड से तो हमने इसे बनाया था, सीधी साइड से हमने इसे उतार लिया है। तो इस तरह से ही करेंगे तो अपने आप से ये चेन बनती जाएगी। और इसके अलावा जो फंदे हैं उन सबको हम उल्टा उल्टा ही उसी कलर में बुन देंगे जिस कलर के फंदे हैं। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई और हम ये सीधी तरफ से बना रहे हैं। यहाँ पे बस हमें ये दूसरा कलर के फंदे आ गए तो यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, पीले धागे को आगे लाना है, लाल को पीछे करना है। ऐसे करके क्रॉस करवा के आगे की साइड से हमें ऐसे ही जब फंदे बनाएंगे तो चेंज करना पड़ेगा।
ये देखिए पीले वाले फंदे हम लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये सेंटर की तरफ से है तो हमें दो या तीन जितने भी फंदे हम छोड़ना चाहें तो राउंड शेप बनाने के लिए, राउंड शेप डोरमेट के लिए हमें इधर सेंटर से दो फंदे छोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद में धागे को पीछे ले जाएंगे, ये छोड़कर, और पीछे से फिर दो फंदे बिना बुने छोड़े हैं, बाकी सब फंदों को बनाना है। इसके अलावा हमें यहाँ से ही डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन कैसे, ये दो फंदे ये देखिए कली दो दो फंदे करके आगे की तरफ पहले बढ़ाई गई है, यहाँ तक हाफ तक हम इसे बढ़ाएंगे। तो ये पीले जो फंदे हैं वो बनाएंगे और उसमें लाल फंदे दो और पीले ही बना देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से हर बार हम हर एक सिलाई में पांच सिलाई तक इसी तरह से दो दो फंदों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे पीले वाले। ये देखो पीले सभी बनाए, लाल के दो फंदे और हमने पीले ही बना लिए। ऐसे करना है उल्टी साइड से, ठीक है। अब लाल वाले में से दो फंदे कम हो गए हैं और बाकी जो हैं फंदे उन्हें हम लाल बना देंगे। तो ये कली आगे की तरफ बढ़ती जाएगी दो दो फंदे करके, बस उल्टी साइड से हमें इतना ही करना है जब तक ये लास्ट में तीन फंदे ना रह जाए तब तक। हाफ कली तक हमें फंदे को बढ़ाना है, उसके बाद में हम इसी तरह से दो दो फंदे कम करेंगे। अब ये सीधी तरफ से हमें जैसे फर्स्ट लाइन बनाई थी उसी तरह से इसको भी बनाना है। पहला फंदा छोड़ना है चेन बनाने के लिए और फिर इन सबको बना लेना है। यहाँ पे धागा चेंज करना है और दो फंदे पीले के और छोड़ देने हैं। तो ये सेकंड लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमें इसकी पांच लाइनें बनानी है, मतलब यहाँ तक तीन फंदे जब रह जाएं तब तक हमें इसी तरह से बनाना है। आपने जितने भी फंदे डाले हैं उन सबको बना लीजिए, बस तीन फंदे रह जाएं वहाँ तक। ये देखिए ये तीन फंदे मेरे रह गए हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इनको येलो नहीं करना है, इनको मुझे रेड ही बनाना है इस तरह से। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे। इधर से हमें जैसे बनाते थे वैसे ही इसे भी कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये आगे की साइड है। तीनों फंदों को बना लिया। ये इस हाफ कली की लास्ट लाइन है, इसे कंप्लीट करने के बाद हम बैक साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम दो फंदे और छोड़ देंगे। अब बैक साइड में आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर से बनाते हुए लाएंगे तो इन दो को हम इधर से रेड करेंगे। ये उल्टी साइड से हमने
पीले फंदे बना लिए, बस दो फंदों को छोड़ दिया। अब की बार में हमने पीले फंदों को छोड़ा। ये देखिए हमारी आधी कली यहाँ तक बन गई थी। इसके बाद में अब हम इधर ये ब्लैक वाले फंदे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये बढ़ते हुए जाएंगे ना, तो ये वाला पोर्शन हम इधर बनाएंगे। ये देखिए जो रेड कलर का ये बना हुआ है ट्रायंगल त्रिकोण, वही हम ऊपर की साइड बनाएंगे। यानी अब रेड कलर बढ़ता हुआ जाएगा इधर से। तो ये रेड कलर का जो धागा है उससे हम ये दो पीले के फंदे बनाएंगे। ये देखिए इधर से ही हम उल्टी साइड से आगे की तरफ को बुन लेंगे। ये दो फंदे बना लिए पहले पीले के, उसके बाद में ये पीछे वाले रेड बना दिए ऐसे करके। ये उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली। अब सीधी साइड से जैसे हम बनते हैं वैसे ही बुनेंगे। लाल को बना लेंगे फंदों को और पीले को बनाएंगे। लेकिन पीले फंदे बनाते समय हमें इधर से दो फंदे जो छोड़ रहे थे, अब की बार हमें दो फंदों को हमें इसमें पीले में बुनना है इधर की साइड में। तो बस यही इधर से करना है। चलिए इसकी एक लाइन देख लेते हैं, फिर इसे बाकी की लाइनों को इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे और दो दो फंदों को लास्ट तक बना लेंगे। लास्ट में हमारे दो फंदे पीले के सेंटर की तरफ बच जाएंगे इधर, ठीक है। वहाँ तक हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो एक लाइन इसकी बनाते हुए देखते हैं। पहला फंदा उतार लिया, उसके बाद में जो पीछे से हमने लाल फंदे दो बनाए थे उनको भी बना लिया। अब धागा चेंज करेंगे, पीला वाला धागा आगे लाएंगे और इससे पीले फंदे बनाएंगे। यहाँ तक जहाँ तक बने हुए हैं, दो छोड़े हुए थे वहाँ तक पहले बना लेते हैं। और इसके बाद में इसमें दो फंदा एक्स्ट्रा और लगाएंगे छोड़े हुए वाले, ठीक है। ये देखो बीच वाली लाइन ये वाली हो गई है पीली। अब इसके साथ में ये सेकंड वाली लाइन जुड़ जाएगी ऊपर वाली के साथ। ये दो फंदे छूटे हुए हैं यहाँ पे, इनको बना लेंगे इस तरह से बुन लेंगे। और अब इन दो फंदों को बुनने के बाद में धागे को पीछे ले जाए। तो आगे से हमें हमेशा ऐसे ही करना है। एक इसके साथ में एक ये वाली लाइन जोड़नी है और बीच वाली जो लाइन होती है उसके साथ तीन फंदे रेड के रहेंगे। अब यहाँ से हाफ हाफ कली आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई है। पीछे से फिर से बुनते हुए जाएंगे और दो फंदे फिर से रेड के इधर बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इस पूरी कली को इसी मेथड से। तो चलिए मैं इसे बना के पूरी कली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे हमारी पूरी कली कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हमें ये जो चेन बनाई थी दो रंग की, वो फिर से बनानी है। तो बैक साइड से हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड से स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बनाई थी सेम वैसे ये वाली चेन यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए चेन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम दूसरी कली बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये पीली वाली कली बनी है, तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो रेड वाली कली स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब हम लाल फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में। ये यहाँ पे कलर देख के ये पीला है तो हम यहाँ पे लाल वाला स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम कलियों के रंग बदलते जाएंगे। ये स्टार्टिंग के 12 फंदे हमें लाल बनाने हैं और आगे पीले वाले जो फंदे थे उनको हम रेड बना देंगे। ये देखिए और यहाँ से जो फंदे हैं ये रेड है तो ये वाले फंदे पीले बना देंगे। तो इस तरह से दोनों का कलर चेंज करते रहेंगे और इस आगे की कलियाँ बनाते रहेंगे। जैसे हमने फर्स्ट कली बनाई थी बाकी का मेथड वही है, बस हमें
ऐसे पहली लाइन में कलर चेंज कर लिया इस तरह से। अब वही मेथड जैसे हमने फंदे छोड़े थे और आगे बढ़ाए थे उसी तरह से हम कलियां बनाएंगे, और ये एक पीली, लाल, पीली, इस तरह से आगे की कलियां बनाते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर। पूरा बनने के बाद में हम इन वाले फंदों को बंद कर देंगे। उसके लिए हम दो फंदों को एक साथ बुन देंगे और पहले वाले फंदे को दूसरी वाली सिलाई पर ही वापस लेकर फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से इस पूरे को हम क्लोज कर देंगे। और इसके आगे किस तरह से सिलाई करनी है और जो सेंटर में स्पेस रह जाता है, खाली जगह, वो कैसे फिल करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इसे देख लीजिए किस तरह से आपको सिलाई करनी है और ये सेंटर में बंद करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।